दो घंटे की मूसलाधार बारिश से हरिद्वार हो गया पानी पानी। इस दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें भी हरिद्वार से सामने आई। खड़खड़ी शमशान घाट के पास उफनती बरसाती नदी में एक ट्रक खिलौने की तरह बह गया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस ट्रक में कांवड़िया गंगाजल लेने हरिद्वार आए थे। भारी बारिश के बाद बरसाती नदी ने खतरनाक रूप ले लिया और तेज बहाव में बहकर ट्रक गंगा नदी में समा गया। ट्रक में तब कोई सवार नहीं था, इसलिए जनहानि नहीं हुई। भारी बारिश के बाद हरिद्वार की सड़कें तालाब बन गई। शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला। कई गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आई। ब्रिज और पुलिया के पास भी पानी भरने से आवाजाही ठप हो गई। सबसे बुरा हाल रानीपुरा मोड़ के पास दिखा, जहां के लोग पिछले कई दिनों से पीडब्ल्यूडी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मॉनसून आने के बाद भी पानी निकासी के इंतजाम ठीक से नहीं किए गए। नैनीताल जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बुधवार को कालाढूंगी इलाके के मेथीशाली नाले में एक कार के बहने की तस्वीरें सामने आई। कार उफनते नाले में बहती चली गई। कार में दो लोग सवार थे, जिन्होंने वक्त रहते कार से निकलकर अपनी जान बचा ली। दोनों लोग कार से नाला पार कर रहे थे, तभी उनकी कार मलबे में फंस गई, जिसके बाद पहाड़ों में तेज बारिश के चलते एकाएक नाले में भारी पानी आ गया, जिससे कार बह गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नाले से गुजरने वाले ट्रैफिक को बंद कर दिया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नालों और रपटों में पानी आने के दौरान उन्हें पार ना करें। बुधवार देर शाम मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के ऊपर भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आकर गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई। सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मसूरी देहरादून मार्ग पर हुए भूस्खलन की वजह से मार्ग बंद होने की सूचना मिलने पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे और रास्ते पर गिरे मलबे और बोल्डर को हटाने का काम शुरू किया। लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों को खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नंदप्रयाग से आगे पुरसारी के पास एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। ड्राइवर बुरी तरह घायल है और उसका इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में किया जा रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में मानसिक रूप से कमजोर 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क उठा है। हिंदू संगठनों ने आरोपी ऑटो ड्राइवर के घर पर बुलडोजर चलाने और उसे फांसी की सजा देने की मांग की है। आरोपी ऑटो ड्राइवर का नाम नदीम है। हिंदू संगठन की मांग है कि बाहर से हल्द्वानी आ रहे ऑटो चालकों का सत्यापन कराया जाए। सिटी मजिस्ट्रेट ने भी जानकारी दी है कि आरटीओ द्वारा 8 टीमें बनाकर शहर में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तरकाशी पुलिस ने मोरी में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले नेपाली मूल के दो आरोपियों वीर बहादुर और प्रेम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया है। मोरी के रहने वाले गिरवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ 24 जुलाई को मारपीट की गई थी। मारपीट में गिरवीर बेहोश हो गया था। इसके बाद आरोपियों ने बेहोश गिरवीर को खरसाड़ी पुल से नीचे गंगा केदार में फेंक दिया। गिरवीर का शव 25 जुलाई को केदार गंगा से बरामद हुआ। रुद्रप्रयाग के बुड़ना गांव में 11 साल के बच्चे को गुलदार ने अचानक हमला कर घायल कर दिया। बच्चा स्कूल जा रहा था कि तभी रास्ते में घात लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह से बच्चे को गुलदार के चंगुल से छुड़ाया। अगर लोग वक्त पर ना पहुंचते तो गुलदार बच्चे को निवाला बना चुका होता। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पहाड़ी क्षेत्र में गुलदार के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लोगों का आरोप है कि वन विभाग की टीम ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं कर रही है। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव इलाके में ईदगाह रोड पर बिरयानी की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस आग की चपेट में बगल की एक और दुकान आई। सड़क किनारे खड़ा एक सब्जी का ठेला भी जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने एकजुट होकर आग पर किसी तरह से काबू पाया। लोगों ने आरोप लगाया है कि फायर ब्रिगेड देर से आई, तब तक आग बुझाई जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि बिरयानी बनाने के दौरान गैस लीकेज होने की वजह से आग भड़की थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रुड़की के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। उमेश कुमार ने हरकी पौड़ी के आसपास सभी शिवालयों पर पुष्प वर्षा करने के साथ हाईवे और कांवड़ पटरी पर आने जाने वाले शिव भक्तों और लक्सर स्थित जटाशंकर महादेव मंदिर पर भी पुष्प वर्षा की। उमेश कुमार का कहना है कि वे सर्व समाज को एक साथ लेकर चलते हैं और सभी धर्म का सम्मान करते हैं। इससे पहले उमेश कुमार ने ईद के मौके पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा की थी।
रविदास जयंती के अवसर पर हरिद्वार जिले के सभी रविदास मंदिरों पर भी वो पुष्प वर्षा करते दिखे थे। एक दिन पहले ही हरिद्वार में सीएम धामी ने भी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई थी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।